हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे बनाना से बर्फी। ये मैंने चार केले ले लिए हैं, एक बाउल लिया है गेहूं का आटा, आधी कटोरी ली है मैंने सूजी और एक कटोरी ली है मैंने चीनी। एक कटोरी से थोड़ी कम है, थोड़े लिए हैं हमने ड्राई फ्रूट। एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके बीच में छोटे छोटे पीस बनाना के करके इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए बनाना हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, अब हम अगली तैयारी करते हैं। ये मैंने कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, इसके बीच में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। आप इसको रिफाइंड में भी बना सकती हैं, पर इसका टेस्ट अच्छा घी में ही आता है। घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे, अब ये ड्राई फ्रूट इसके बीच में डालेंगे। इसको ज्यादा नहीं फ्राई करना, इसको बाहर निकाल लेंगे। कढ़ाई में ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करा था, उसके बीच में हम आटा रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया, आटे को अच्छी तरह से भूनेंगे। एक साइड पे हमारा आटा हम भून रहे हैं, अब चाशनी बनाएंगे। एक कटोरी मैंने चीनी ली है, एक कटोरी इसके बीच में डाल देंगे पानी। ये देखिए, चाशनी को कोई तार वाली नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ी चिपचिपाट वाली चाशनी बनाएंगे। अभी हुई नहीं है, इसके बीच में डाल देंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। देखिए ऐसी चाशनी बननी चाहिए। ये हमारी चाशनी बन के हो गई तैयार, इसको उतार देंगे, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए आटा हमारा भुनना शुरू हो गया, थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो गया, इसको बिल्कुल ब्राउन कर लेंगे। देखिए आटा अच्छी तरह से भून गया, अब इसके बीच में डाल देंगे सूजी। सूजी को भी थोड़ी देर इसके साथ पकाएंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए। इसके बीच में 1 चम्मच घी और डाल देंगे। बर्फी के बीच में ज्यादा घी नहीं डालना, 2 चम्मच घी हमने पहले डाला था, 1 चम्मच घी हमने अब डाल दिया। देखिए सूजी भी हमारी अच्छी तरह से भून गई है, आटा भी भून गया। इसके बीच में डालेंगे बनाना, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके बीच में 1 चम्मच घी और डालेंगे। इसके बीच में डाल देंगे ड्राई फ्रूट, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसके बीच में डालेंगे चाशनी, कौन सी चाशनी हमने बनाई थी, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसके बीच में डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, इससे बर्फी के ऊपर शाइन बहुत आएगी। इसको तब तक भूनना जब तक कढ़ाई अपने आप सारा बैटर को छोड़ना, ने बैटर छोड़ना शुरू कर दिया। हम इसको एक थाली में निकाल लिए, एक थाली ली है, उसके बीच में देसी घी लेके इसको अच्छे तरह से ग्रीस कर लेना है। ये सारे बैटर को हमने एक थाली में निकाल लिया, इसको गरम गरम को अच्छी तरह से सेट कर लें। ठीक है, हमने बर्फी को अच्छे तरह से सेट कर लिया। लगाएंगे थोड़े से बादाम, इसको 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए हमारी बर्फी बिल्कुल सेट हो गई है, अब इसके पीस कट करेंगे। हमारी बर्फी बन के हो गई तैयार, अब इसके सारे पीस हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी बनाना बर्फी बन के हो गई है तैयार, आप इसको घर पे जरूर ट्राई करना। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर। थैंक यू।